Hey, hello, hi guys, it's me, Addy. Dunkirk. तो यार ये मूवी देखने का मेरा एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रॉन्ग रीजन था और वो है क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने बैटमैन, इंसेप्शन, द प्रेस्टीज और इंटरस्टेलर जैसी शानदार मूवीज बनाई हैं। और ये मूवी मैंने देखी है इंग्लिश में क्योंकि एक वही फॉर्मेट अवेलेबल था। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि वॉर्नर ब्रॉस इंडिया अपनी मूवीज हिंदी में क्यों नहीं रिलीज करता इंडिया में। सेम चीज वंडर वुमन के साथ भी हुई थी और वो बहुत शानदार मूवी थी, बट ज्यादा लोग देख नहीं पाए थे सिर्फ इंग्लिश फॉर्मेट के कारण। तो दोस्तों अब बात करते हैं मूवी के टेक्निकल फील्ड की। ये मूवी 75% लगभग पूरी शूट हुई है आईमैक्स के कैमरे से, जिसके कारण हमें बहुत ही क्लियर, क्रिस्प और वाइड एंगल शॉट्स देखने मिलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो 1080p का बाप है आईमैक्स, अब समझ लो। बट मेरे नसीब में इतना अच्छा प्रिंट नहीं था क्योंकि मेरे शहर में आईमैक्स नहीं है। बट अगर आपके शहर में हो तो इसे उसी फॉर्मेट में देखना क्योंकि वही सही मजा देगा आपको इस मूवी का। इस मूवी की एक खास बात और है कि इस मूवी में असली प्लेन्स, असली शिप्स और असली लोकेशंस ली गई हैं। और जैसा कि आजकल की मूवीज का ट्रेंड हो गया है, ज्यादातर चीजें CGI बेस्ड रहती हैं, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा रियलिस्टिक चीजें यूज हुई हैं इसमें, और इन्हीं चीजों के कारण ये मूवी इतनी थ्रिलिंग है कि आप इस मूवी के ओपनिंग शॉट से ही इस मूवी के अंदर समा जाओगे। और फिर ये मूवी रुकने का नाम नहीं लेती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ लड़ाई। कोई सा भी ऐसा सीन नहीं आता कि जिसमें मूवी स्लो हुई हो और हमें कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड, उनकी फैमिली के बारे में पता चले या कोई भी चिलिंग मोमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। ये मूवी World War II के इवेंट्स पे बताई गई है, जिसकी कास्ट बहुत तगड़ी है, बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे कि टॉम हार्डी और मर्फी जो कि स्केयरक्रो बना था बैटमैन बिगिंस में। और इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बाद भी मैं इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया, और यही चीज इस मूवी को पीछे खींचती है क्योंकि हमें इन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ भी डीपली नहीं बताया गया है इस मूवी में। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 46 minutes का है, जो कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज के हिसाब से बहुत कम है। शायद ये अभी तक की सबसे छोटी मूवी है क्रिस्टोफर नोलन की, बट देखने में आप लोगों को छोटी लगेगी नहीं क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बहुत बड़ा बैटल है, और उस हिसाब से इस मूवी का रन टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। तो यार इस मूवी के एक्शन सीन्स, विजुअल्स वगैरह तो मस्त है ही, पर जिस चीज की मैंने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी वो है इस मूवी का साउंड। बाप रे, खतरनाक साउंड था, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी एरिया का मल्टीप्लेक्स है उसका साउंड इतना अच्छा बिल्कुल नहीं है, बट इस मूवी में ऐसा क्या उन्हें करे हैं पता नहीं, बहुत मस्त साउंड था। इस मूवी का सिंपल डिस्क्रिप्शन ये है कि ये मूवी एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो कि क्रिस्टोफर नोलन की स्टाइल में दिखाई गई है, जिसका मेन मुद्दा है सर्वाइवल और फाइट। और ये तो हम सबको पता है कि ये मूवी इंडिया में तो सिर्फ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को पसंद आने वाली है। तो यार मूवी तो मस्त है, और रही बात रेटिंग की तो मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है, आप लोगों को पता है कि मैं क्रिस्टोफर नोलन की इतनी अच्छी मूवी को रेट कर पाऊँ। बट हाँ, कुछ बड़ी और ट्रस्टेड साइट्स हैं जिनकी मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, जिनसे आपका दिमाग और क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी देखें कि नहीं देखें। और अगर देख आए हो या देखने जाने का प्लान है तो नीचे कमेंट जरूर करना। और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।